नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। सुहागिन इछाई स्थित साई कॉलोनी के रहवासी इन दिनों गंदगी और सड़क लाइट न होने की वजह से परेशान हैं। आज सभी कॉलोनी वासियों के द्वारा सुहागी स्थित नगर निगम जोन में पहुंचकर एक ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें मांग की गई थी कि उनकी कॉलोनी में न तो लाइट की व्यवस्था है, नालियां हैं तो बजबजा रही हैं, सड़क में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं। अगर इस ओर जल्द ही प्रशासन और अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले 15 दिनों के अंदर उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं अधिकारियों ने जल्द ही कार्य कराने का आश्वासन दिया है। आज हम लोग नगर निगम जोन का यहाँ घेराव करने आए हैं, नगर निगम आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। जब से हमें नए वार्ड में शामिल किया गया, नगर निगम में सीमा में शामिल जितने भी नए वार्ड हैं, जब से हमको शामिल किया गया है, सिर्फ हमसे टैक्स वसूला जा रहा है अंधाधुंध, और ये टैक्स का पैसा शहर के दूसरे वार्डों में लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे आज की डेट में वो सुन्न हो चुके हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, उनको बाढ़ की जनता की समस्याएं नहीं दिख रही हैं। हम लोग आज नगर निगम आयुक्त महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि आप जो हमसे टैक्स वसूली कर रहे हैं, अगर उसका 10% भी आप हमारे वार्डों में खर्च कर दोगे तो हमारे वार्ड की सुंदरता बढ़ेगी। हमारे नगर निगम प्रशासन को चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये धीरे धीरे आप जो हमारा कार्य नहीं कर रहे हैं, लोगों पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और यदि कार्य यदि हमारे जल्दी नहीं हो पाएंगे, हमारे जनहित के कार्य जल्दी नहीं हो पाएंगे, हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में इसकी जिम्मेदारी पूरी नगर पंचायत। ये रिछाई के नागरिक मेरे पास आए, कुछ सफाई के संबंध में है, तो 2-3 पुलिया की शिकायत है, उसको निराकरण जल्दी 1-2 दिन हो जाएगा करा दें। संतोष अग्रवाल, संभागीय।